हाय, हेलो टू एवरीवन, दिस इज जेवेड अकेडमी रांची, और हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं पांच ऐसे कंट्रीज के बारे में जिसमें पहले से रिजर्वेशन फॉर वुमेन इन पॉलिटिक्स है. ओके, तो यू वुड बी सरप्राइज टू नो दैट ये सारे कंट्रीज जो है ना, वो भारत से कुछ ज़्यादा डेवलप्ड है नहीं, लेकिन फिर भी इन लोगों ने ये सोचा कि वुमेन को रिजर्वेशन मिलना चाहिए. फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग फिलीपींस के बारे में बात करेंगे. अर्ली 1990s से ही फिलीपींस में वोमेन के लिए रिजर्वेशन है, और कितना परसेंट का रिजर्वेशन है, तो 28% का वोमेन के लिए रिजर्वेशन है. तो फिलीपीन ने ये 1990s में एक्ट लाया था, जिसके बाद फिर वोमेन को रिजर्वेशन मिला है. इट ऑल्सो हैज़ वन ऑफ द हाइएस्ट लेवल ऑफ वुमेन रिप्रेजेंटेशन इन द लोकल पॉलिटिक्स इन द साउथ ईस्ट एशिया. मतलब जितने भी साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज आप देख रहे हैं, चाहे वो आपका हो जाएगा वियतनाम हो गया, या मलेशिया, इंडोनेशिया, म्यांमार की तो बात ही छोड़ देते हैं, तो जो साउथ ईस्ट एशियन पॉलिटिक्स है ना, उसमें सबसे ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन की अगर बात की जाए तो आपको मिल जाएगा फिलीपींस का ही. और सरप्राइज तो ये है कि हमारा जो देश पाकिस्तान है ना, हालांकि उतना ज्यादा वुमेन को पार्टिसिपेशन रिजर्वेशन नहीं देता है, क्योंकि देखो उसका रिजर्वेशन देने का कारण कुछ और है. उसका रिजर्वेशन देने का कारण ये है कि अगर नहीं देगा तो एक महिला भी नहीं जीत करके आने वाली है. भारत टाइप का सिचुएशन नहीं है, वहां पर सिचुएशन ही डिफरेंट है. इसीलिए 1985 में 10 सीट रिजर्व किया गया, उसको बढ़ा करके 20 किया गया, और 2002 से 17% जो नेशनल असेंबली है उसमें वोमेन को रिजर्वेशन मिला है. ओके, तो हमारा पाकिस्तान जो है, हमारा पड़ोसी देश जो है, वो 2002 से ही वहां पर रिजर्वेशन फॉर वुमेन है. उसके बाद फिर हमारा एक और पड़ोसी देश बांग्लादेश के पास चलते हैं. तो बांग्लादेश थोड़ा सा और बेहतर है पाकिस्तान से. पाकिस्तान में 17% है, तो यहाँ पर 20% फीमेल रिप्रेजेंटेशन अभी है. और ये इसलिए है क्योंकि 50 सीट, जो 350 सीट है ना, उसमें 50 सीट जो है वो रिजर्व्ड है वुमेन के लिए. दैट इज ऑल्सो अ वेरी गुड थिंग कि 50 सीट पहले से रिजर्व कर दिया जा रहा है. दूसरा, जो हमारा अभी का जो सिचुएशन है, वही सिचुएशन नेपाल का भी है. नेपाल में संविधान के अनुसार जो 1/3 ऑफ द टोटल इलेक्टेड सीट है ना, वो रिजर्व्ड होना चाहिए वुमेन के लिए. तो ये भी एक अच्छी बात है. जो हमारा 33% है, नेपाल का भी 33% जो सीट है वो वुमेन के लिए रिजर्व्ड है फेडरल पार्लियामेंट में. अब बात करते हैं पांचवा में. पांचवा हम लोग अपने भारत को ही ले लेते हैं. तो भारत में भी, हालांकि ये जो बिल है ना वो अभी पास हुआ है, लेकिन आया था 1996 में, पहली बार टेबल्ड हुआ था कि 33% जो सीट है वो वोमेन के लिए रिजर्व कर देना चाहिए. लेकिन अब जा करके 33% सीट जो हमारा लोअर हाउस है यानी लोकसभा है, या फिर जो स्टेट असेंबलीज होते हैं, उसमें 33% जो है वो वोमेन के लिए रिजर्व कर दिया गया है. ठीक है, अब आपको समझना पड़ेगा ये बात कि क्यों किया गया. तो बहुत सारे कारण है. एक बेसिक ही पॉइंट समझ लीजिए कि जब 50% वोटर महिला है, तो आप 33% भी सीट क्यों नहीं देना चाहते हैं, पहली बात. दूसरी बात ये है कि अभी जो करंट सिचुएशन है ना, वो ये सारे कंट्रीज से भी गया गुजरा है. मतलब कि ना ही पाकिस्तान से भी गया गुजरा है, क्योंकि 15% ही, क्योंकि वहां तो 17% का रिजर्वेशन कर दिया गया है. तो भारत का 15% ही ऑन टोटल रिप्रेजेंटेशन है पार्लियामेंट में वुमेन का, और स्टेट असेंबलीज की बात की जाए, सिर्फ 10% इन्वॉल्वमेंट है वुमेन का असेंबलीज में. ठीक है, तो इस तरह से समझ में आ रहा है कि जरूरत थी इस चीज की, और इस चीज को लाया गया है. दैट इज अ वेरी गुड थिंग. हाँ, ये सोचना पड़ेगा कि 1996 में जब पहली बार टेबल्ड हुआ था, तो इतना साल क्यों लग गया इस चीज को लाने में. सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो. थैंक यू.